आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आज की 6 ट्रेंडिंग बिजनेस न्यूज। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो 6 ट्रेंडिंग बिजनेस न्यूज बताने वाला हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग और ट्रेंडिंग वाली बिजनेस न्यूज है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी है वो ऐसी 6 बिजनेस न्यूज जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो की अपन लोगों की पहली बिजनेस न्यूज़ है, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉय बाइडेन, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता है, मतलब रशिया कंट्री से। उनका ये कहना था अमेरिका के प्रेसिडेंट का, मिस्टर जॉय बाइडेन का, कि रशिया से चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ऐसा जॉय बाइडेन का कहना है। न्यूज़ है वो सेकंड बिजनेस न्यूज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अपनी कंपनी के 2.79% स्टेक शेयर बेच दिए थे टीवीएस मोटर्स कंपनी को 45 करोड़ रुपए में। क्या कहा मैंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अपनी कंपनी के 2.79% स्टेक बेच दिए थे टीवीएस कंपनी को कितने में, 45 करोड़ रुपए में। मैं ये सोच रहा था कि महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो उनकी सिर्फ 2% शेयर की कीमत, मतलब 2 या 3% शेयर की कीमत से 45 करोड़ है, मैं ये सोच रहा था। और थर्ड बिजनेस न्यूज़ है, और ये थर्ड बिजनेस न्यूज़ इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड है, जो इंडिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस कंपनी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी कंपनी में मिस्टर सलिल पराग को फिर से रीअपॉइंट कराया एज अ MD 5 सालों के लिए। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी कंपनी इन्फोसिस, उन्होंने मिस्टर सलिल पराग को फिर से अपॉइंट कराया, मतलब रीअपॉइंट कराया एज अ MD अपनी कंपनी में 5 सालों के लिए। न्यूज़ है और फोर्थ बिजनेस न्यूज़ है, और फोर्थ बिजनेस न्यूज़ एयर इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। अभी कुछ दिनों पहले टाटा कंपनी ने अनाउंस करा था कि हम लोग 200 से ज़्यादा प्लेन खरीदने वाले हैं एयर इंडिया कंपनी के लिए, और जिसकी मतलब उसकी वैल्यू होने वाली है कम से कम 20 बिलियन से ज़्यादा। मतलब टाटा कंपनी 200 से ज़्यादा प्लेन खरीदेगी एयर इंडिया कंपनी के लिए और उसकी वैल्यू होने वाली है कम से कम 20 बिलियन से ज़्यादा। और ये थी फोर्थ बिजनेस न्यूज़। और इस वीडियो की फिफ्थ बिजनेस न्यूज़ है अडानी कंपनी से रिलेटेड। अडानी कंपनी इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि जिसका मार्केट कैप 200 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप इंडिया की ऐसी थर्ड कंपनी बन गई है जिसका मार्केट वैल्यू 200 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। न्यूज़ है और सिक्स्थ बिजनेस न्यूज़ नियो बैंक कंपनी से रिलेटेड है। जो नियो बैंक कंपनी जो इंडिया की है, ये इंडिया का एक नया स्टार्टअप है, ओके, और बहुत जल्द यूनिकॉर्न बनने वाला है ये न्यू बैंक कंपनी, ओके, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस न्यू बैंक कंपनी ने अभी कुछ दिनों पहले 270 मिलियन की फंडिंग राइज करी है 8 मिलियन की वैल्यूएशन में। मतलब जो न्यू बैंक कंपनी है, जो एक इंडिया का एक बिजनेस स्टार्टअप आप कह लो, इन्होंने 270 मिलियन की फंडिंग राइज करी है 800 मिलियन की वैल्यूएशन पे। और ये स्टार्टअप ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द यूनिकॉर्न भी बन जाएगा। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, ओके, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत तेज़ दिमाग चल रहा है बहुत बड़े बड़े बिजनेस के लिए और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बस आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को सिर्फ इन 6 बिजनेस न्यूज़ के बारे में बताना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जो इस वीडियो में आप लोगों को जो 6 बिजनेस न्यूज़ बताई हैं उनमें से आप लोगों को कौन सी बिजनेस न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के बस चले जाते हो, ओके। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगेन आप लोगों को अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू।